हेलो फ्रेंड्स, किचन ज्ञान हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मूंग दाल की खस्ता करारी बिल्कुल मार्केट जैसी कचौरियाँ। तो उससे पहले वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को प्यारा सा लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ 2 कटोरी गेहूँ का आटा ले लिया है। इसमें हम मिला देंगे 2 कटोरी मैदा। हम गेहूँ और मैदे से दोनों से कचौरियाँ बना रहे हैं। आप या तो सिर्फ गेहूँ के आटे से या सिर्फ मैदे से भी बना सकते हैं। इसमें डाल देंगे नमक, आधा छोटा चम्मच डाल देंगे अजवाइन, आधा कटोरी डाल देंगे मोइन। मोइन के बिना हमारे कचौड़ियाँ जो हैं वो खस्ता करारी नहीं होंगी, तो उसमें मोइन डालना बहुत ही ज़रूरी है। तो मोइन डालने के बाद आटे को अच्छे से मिक्स कर देना है, ताकि मोइन जो है वो अच्छे से आटे में मिक्स हो जाए। और जैसे ही हमारा मोइन जो है आटे में मिक्स हो जाएगा, तो हमारा आटा इस तरीके से इसका लड्डू बन सकता है, इकट्ठा हो सकता है। तो आप समझ जाएंगे कि इसमें मोइन जो है बिल्कुल परफेक्ट बन दल के तैयार हो गया है। तो अब इसमें हम गुनगुने पानी से इसका डो तैयार कर लेंगे। डो हमें ज़्यादा सख्त या ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखना है, नॉर्मली कचौड़ियों की तरह हमें इसका डो तैयार कर लेना है लगा के। तो ये देखिए हमारा डो तैयार हो गया है। डो को 10 मिनट के लिए रेस्ट करने छोड़ देते हैं, तब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो कढ़ाई में हम डाल देंगे 2 चम्मच तेल। तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। जैसे ही तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, इसमें डाल देंगे हींग। हींग के भुनने के बाद इसमें डाल देंगे जीरा, आधा चम्मच। जीरा भुन जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे बारीक कटी हुई 1 प्याज। प्याज को भी हमें हल्का सा भून लेना है, डार्क नहीं करना है। जैसे ही बस प्याज का हल्का सा कलर हमें बदल लेना है। तो ये देखिए प्याज का रंग जो है वो थोड़ा सा ब्राइट हो गया है। हल्की सी प्याज हमारी जो है वो भुन गई है, इससे ज़्यादा नहीं भूनना है। तो अब इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मिर्च पाउडर, 1 चम्मच आमचूर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा तीखा या कम तीखा भी कर सकते हैं। तो मसालों को हमें धीमी आंच पर अच्छे से भून लेना है। तो ये देखिए हमारे मसाले भी अच्छे से भून गए हैं। तो अब इसमें हम डाल देंगे मूंग की दाल। ये मूंग की दाल छिलके वाली है, हमने इसे 2 घंटे तक भिगोकर इसके छिलका अलग कर लिया है। आप बिना छिलके वाली दाल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे भी आपको 2 घंटे के लिए भिगो देना है। तो अब दाल को हम अच्छे से पानी से अलग कर दिया है, फिर उसके बाद इसे कपड़े पर फैला देना है, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। तो अब इसे अच्छे से भून लेंगे। तो इसमें डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी टेस्ट के लिए हम इसमें चीनी डाल देंगे आधा छोटा चम्मच, धनिया पत्ती डाल देंगे बारीक कटी हुई। चीनी हम इसका टेस्ट बैलेंस करने के लिए डाल रहे हैं। गरम मसाला डाल देंगे 1 चम्मच। सबको अच्छे से मिक्स कर देना है। चीनी हमने इसमें डाली है ताकि इसका जो टेस्ट है उसे बैलेंस कर ले। वो थोड़ा सा मीठे फ्लेवर जो आता है ना, बहुत हल्का हल्का, वो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, इसलिए हमने इसमें चीनी डाली है। आपको पसंद नहीं है तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। तो अब इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। तो हमारी स्टफिंग जो है ये बन तैयार हो गई है। तो गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। जब तक हमारी स्टफिंग ठंडी हो रही है, तब तक हम आटे को एक बार और देख लेते हैं। तो हमारी स्टफिंग तो बनकर हो गई है तैयार। तो ये देखिए हमारा आटा भी अब सेट हो गया है। तो अब इसकी हम छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेंगे। लोइयाँ आप अपने हिसाब से थोड़ी छोटी या थोड़ी बड़ी भी कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरह की लोइयाँ तोड़ेंगे थोड़ी सी मीडियम साइज़ की तो ज़्यादा अच्छी रहेंगी। तो इसी तरीके से हमने सारी लोइयों को तोड़ लिया है। तो अब इन्हें हम गोल कर लेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए हमारी सारी लोइयाँ जो हैं वो बनकर तैयार हो गई हैं। तो अब इन्हें हम बेल कर आपको दिखाते हैं। इस तरीके से हमें कुछ भी आटा या कुछ भी तेल नहीं लगाना है, बस नॉर्मली इसे हमें से बेल लेना है। फटने की तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, क्योंकि हमारी कचौड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं फटेंगी। तो ये देखिए नॉर्मली पूड़ी के साइज़ की हमें इसे पहले बेल लेना है। और अब इसमें हम भर देंगे। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया हमारी पूड़ी बनकर तैयार हुई है। इसमें हम 1 चम्मच स्टफिंग भर देंगे। स्टफिंग की मात्रा ज़्यादा नहीं करनी है, आप थोड़ा कम करना चाहें तो थोड़ा कम कर सकते हैं। तो अब इसे प्लेट डालकर इसे अच्छे से कवर कर लेना है। ये देखिए अब इस तरीके से इसे कवर कर देंगे। आप चाहें तो इस ऊपर वाले हिस्से को तोड़कर अलग कर सकते हैं, या फिर इसे इसी तरह से इसके ऊपर चिपका देंगे। तो ये देखिए इसे हाथों से प्रेस करते हुए दबा देंगे। अब इसे हल्के हाथ से हमें इसे बेल लेना है। मूंग की दाल की कचौड़ियाँ बनाना बहुत ही आसान है। इसमें फटने की टेंशन बिल्कुल भी नहीं है। खासतर ज़्यादातौर पर हमें यही टेंशन होती है कि हमारी कचौड़ी जो है वो फट जाएगी, लेकिन अब ऐसे टेंशन बिल्कुल नहीं करनी है। तो ये देखिए हल्के हाथ से हमें इसकी कचौड़ी बेल लेनी है। अब आप इसे सिर्फ हाथ से भी बेल सकते हैं, आप चाहे तो इसी तरह चक्रा बेलन से भी बेल सकते हैं।
देख सकते हैं बिल्कुल भी कहीं से नहीं फटी है, कितनी आसानी से हमारी कचौड़ी बनकर तैयार हो गई है। तो इसे हम प्लेट में रख देंगे और इसी की तरह से हम और कचौड़ियाँ भी बना लेंगे। तो ये देखिए हमने इस तरह से कुछ कचौड़ियाँ बना ली हैं। हमको एक और फॉर्क को फोल्ड करके दिखाते हैं। इस तरीके से हमें इसे कवर कर लेना है। वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को प्यारा सा लाइक ज़रूर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले उसके लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। तो ये देखिए हमारी सारी कचौड़ियाँ बन गई हैं, तब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए तेल हमने पहले ही गर्म करने रख दिया था। तेल को हाई फ्लेम नहीं करना है, इसका टेम्परेचर हमें नॉर्मल ही रखना है, क्योंकि अगर ज़्यादा तेज तेल गर्म हो जाएगा तो हमारी कचौड़ियाँ जो है वो करारी नहीं बन पाएंगी। कचौड़ियाँ ज़्यादा तेल गर्म होता है तो कचौड़ियाँ सिक जल्दी जाती हैं, लेकिन वो करारी नहीं हो पाती हैं। तो हमें मीडियम तेल रखना है, ज़्यादा गर्म नहीं रखना है, और इस तरीके से हमारी कचौड़ियों को सेक लेना है अलट पलट करके। जब आप धीमे आँच के तेल पर कचौड़ियों को सेकेंगे तो अपने आप ही आपकी कचौड़ियाँ जो हैं वो करारी होने लगेंगी। तो ये देखिए आप एक बार में उतनी कचौड़ियाँ डालें जितने आप आसानी से उन्हें फ्राई कर सकें। आप देख सकते हैं हमने कुछ भी नहीं किया है, कितनी आसानी से हमारी कचौड़ियाँ जो हैं वो करारी हो गई हैं। आप देख सकते हैं कितना सुंदर कलर आया है हमारी कचौड़ियों पर, देखने में लग रही हैं कि कितनी करारी हैं। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारी गर्मा गर्म खस्ता करारी मूंग दाल की कचौड़ियाँ बनकर तैयार है। वीडियो को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।